नमस्कार, मैं हूं शंकर विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं टुडेज स्टेटमेंट। देश के खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ही ठगी के शिकार हो गए हैं। जी हां, दिल्ली के खान मार्केट के एक दुकानदार ने मंत्री जी को ही मोम की पॉलिश वाला सेब दे दिया है। मंत्री जी को इस बात का पता तब चला जब उनके रसोइये ने सेब को पानी से धोया। दिल्ली का प्रतिष्ठित खान मार्केट का एक फल विक्रेता आज मुश्किल में फंस गया है। केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान के आदमी को उसने वह सेब दे दिया जिस पर मोम की पॉलिश हुई थी। मंत्री ने जब अपने रसोइये से सेब का सलाद बनाने को कहा तो उसने मंत्री को बताया कि इस पर मोम की पॉलिश लगी हुई है। उसने बाकायदा चाकू से मोम की परत हटाकर मंत्री जी को दिखाया। उसके बाद पासवान ने संबंधित विभाग से शिकायत की। खाद्य पदार्थों को देखने वाली संस्था फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारी तुरंत हरकत में आए। संबंधित विभाग के अधिकारियों द्वारा पूछे जाने पर फल विक्रेता ने कहा कि उसने फल आज़ादपुर मंडी से ख़रीदा है, उसकी कोई गलती नहीं है। हालांकि कानून यह कहता है कि अगर कोई मोम की पॉलिश वाला फल बेचता है तो उस पर स्टिकर लगा होना चाहिए। अब जांच इस बात की हो रही है कि उस सेब पर स्टिकर लगा था या नहीं। तो आपने देखा कि कैसे देश के एक बड़े मंत्री ही ठगी के शिकार हो गए। आम तौर पर रंग लगी हुई सब्जी मोम के पॉलिश वाले फलों के बारे में सबने सुना होगा, लेकिन आज शायद पूरे देश ने देख लिया कि बाजारों में कैसे कैसे मिलावटी फल और सब्जियां बिक रही हैं। हालांकि इस घटना के बाद मंत्री रामविलास पासवान ने लोगों से अपील की है कि वो सब्जी या फल अच्छी तरह धोकर ही खाएं।